हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आप लोग भी ऑनलाइन अडेनियम खरीदते हैं तो उसके प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मीडिया रखी हुई है, और ये मीडिया जो हम बता दें आपको पहले से कि ये जो मीडिया है रीयूज मीडिया है, जो प्लांट मैंने अभी सेल किए हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंस डे सेल में, वही वाली मीडिया है। तो इस मीडिया में मैं क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ मैं पहले बता देती हूँ और आप लोगों से, और उसके पहले मीडिया जो हम रीयूज मीडिया यूज़ करें उसमें क्या क्या यूज़ किया हुआ था पहले से, वो भी चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। तो जो पहले मेरी मीडिया थी मोटी वाली सैंड है, और मोटी वाली सैंड में अब लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी सैंड यूज़ करेंगे। तो जो हम कंस्ट्रक्शन सैंड होती है हम वही सैंड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अगर रिवर सैंड यूज़ करते हैं तो रिवर सैंड में मेरे यहाँ जो सैंड मिलती है उसमें पानी होल्ड होता है, मॉइस्चर होल्ड हो जाता है। तो इसलिए हम रिवर सैंड ना यूज़ करके हम मोटी वाली कंस्ट्रक्शन सैंड यूज़ करते हैं, जिससे कि ईंटें जोड़ने में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग ईंट जोड़ने में थोड़ी बारीक वाली सैंड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम सैंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोटी वाली कंस्ट्रक्शन सैंड यूज़ किए हैं, पहले किए थे। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था बोन मील, और थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था फंगीसाइड, और थोड़ा सा हम ऊपर से ऑर्गेनिक पोटाश मिक्स किए हुए थे, और थोड़ा सा सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज़ किए हुए थे। ये मेरा ओल्ड मीडिया में था। अब रीसेंट मीडिया मतलब जो हम प्रेजेंट टाइम प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ मिक्स करने वाले हैं तो हम उसको बता देते हैं। मोटी वाली सैंड है वो तो पहले से ही था, जो मैंने आप लोग बताया रिवर सैंड सॉरी रीयूज मीडिया है, उसमें हम एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहे हैं गोबर की खाद एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि टुकड़े में था तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ईंटे से तोड़ लिया है। और अब जो हम इसमें मिक्स करने वाले हैं वो बताते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये चार चीज़ इसमें मिलाने वाले हैं। सबसे पहले ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड है, ट्राइको पावर के नाम से आता है, इफको का है। और हम बोन मील मिक्स करेंगे, नीम की खली मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक पोटास मिक्स करेंगे। अब बात आती है कि क्वांटिटी हमें क्या क्या कितनी लेनी है। क्वांटिटी की बात करें तो आप प्लांट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि हमने इतने सारे प्लांट्स लिए हुए हैं रिपोर्टिंग के लिए, ये मेरे परचेज किए हुए प्लांट्स हैं। आज से हम दो मंथ पहले शायद परचेज किए होंगे, आप लोगों से अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किए हुए थे, वही प्लांट्स मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से हम प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, और इधर थोड़ी बहुत बारिश की वजह से भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, ये भी कुछ रीज़न है। और दूसरा रीज़न कि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से हमने रिपोर्ट नहीं किया हुआ था इन प्लांट्स को, और अब हम रिपोर्टिंग करेंगे। और ये कुछ प्लांट्स हैं, और वो अरेबिकम वेराइटी का एक प्लांट्स है, और ये सभी जो प्लांट्स हैं ना ये मेरे ही प्लांट्स हैं, केवल ये वाला प्लांट्स मेरा परचेज किया हुआ नहीं है, दूसरे से मुझे मिला हुआ है। ये सभी मेरे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इसको सेल नहीं किया हुआ था, प्लांट से मतलब पॉट से निकाला हुआ था सेल के लिए ही, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से प्लांट में मैंने इनको सेल नहीं किया है, वो मैंने खुद के लिए रख लिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि इन प्लांट्स के लिए हम मीडिया कैसे रेडी करते हैं और क्या क्या क्वांटिटी में हम चीज़ें मिक्स करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा हम फंगीसाइड मिक्स करेंगे, ऑलरेडी फंगीसाइड पहले से मिक्स किया हुआ है, तो हम इसमें 1 स्पून के आसपास हम फंगीसाइड मिक्स करेंगे। तो पहले मैं फंगीसाइड जो मिक्स करती थी ना हाथ में ही निकाल लेती थी, तो बहुत से लोग बोले ना कि फंगीसाइड को हाथ में टच नहीं करना चाहिए, तो हम फंगीसाइड को हाथ में अब टच नहीं करेंगे। और ये देखिए 1 स्पून के आसपास मैंने फंगीसाइड ले लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे फंगीसाइड का। और दूसरी चीज़ हम नीम की खली मिक्स करेंगे इसमें, ये देखिए मैंने 1 मुट्ठी के आसपास इसमें नीम की खली ऐड कर रही हूँ, मैं इस टूल्स की हेल्प से ले रही हूँ, आप मुट्ठी की हेल्प से ले सकते हैं या स्पून की हेल्प से, ये 4 स्पून है तो मुट्ठी की हेल्प से 1 मुट्ठी होने वाला है, ये मैं इतना ऐड करी हूँ, और थोड़ा सा और नीम की खली यूज़ करूँगी। ये देखिए मैं मिट्टी का यूज़ अडेनियम में कभी भी नहीं करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अगर हम मिट्टी यूज़ करते हैं ना तो दिक्कत ये आती है ना कि जो पॉट हम यूज़ करते हैं उसमें पानी होल्ड होता है, तो इसलिए हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ हम मिक्स करने वाले हैं बोन मील, बोन मील भी हम 1 मुट्ठी यूज़ करेंगे। और ये जो बोन मील है मेरा डिकम्पोज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये भी हम 1 मुट्ठी यूज़ करेंगे। और डिकम्पोज करने का प्रोसेस क्या है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि बोन मील को हल्का सा मतलब कि पानी से मतलब कि छींटा दे दीजिएगा, पानी का छींटा दे दीजिएगा, और जिस भी पन्नी में आप रखते हैं, जैसे कि मैं इस पन्नी में रखती हूँ बोन मील, जैसे मार्केट से लाती हूँ तो वैसे ही रहता है, इसमें पानी का हल्का सा छींटा देके और ऊपर नीचे कर देते हैं, हिला देते हैं और रख देते हैं, तो कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन में ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब जो स्मेल आती है ना वो स्मेल नहीं आती है फिर। और थोड़ा सा बोन मील हम और ऐड कर ले रहे हैं,
ये देखिए थोड़ा सा हम और ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद जो हम ऐड करने वाले हैं वो हैं ऑर्गेनिक पोटाश, क्योंकि अडेनियम में फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्लावर नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पोटाश। तो ये देखिए 2 स्पून के आसपास मैंने पोटाश ऐड कर लिया है इसमें। और अगर आप चाहते हैं इसमें तो सीविड का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपके पास, या कोई भी ब्रांड का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपके पास जो अडेनियम के लिए अच्छा हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें राइस हस्क भी ऐड करते हैं, तो हाँ ऐड कर सकते हैं राइस हस्क भी, लेकिन हमारे सिटी में राइस हस्क मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हम राइस हस्क नहीं ऐड करते हैं अपने अडेनियम में। हाँ अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐड करना है तो हम सिंडर ऐड कर लेते हैं, लेकिन अभी हम सिंडर भी नहीं ऐड करें। सिंडर का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे सिंडर यूज़ करना तो सही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला सिंडर में, इसलिए हम सिंडर भी बहुत कम ही यूज़ करते हैं। और बेस्ट रहता है ना कि हम कोको चिप्स का यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए अब कोको चिप्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आने वाली है ठंडी और बारिश भी ख़त्म हो चुकी है, अब प्लांट नॉर्मली ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा, तो इसलिए कोको चिप्स का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब फरवरी में हमें फिर से रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे कोको चिप्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करें, नॉर्मल सिंपल सी मीडिया अपनी रेडी कर रहे हैं, और इसी मीडिया में अपने अडेनियम प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम बताते हैं आपको कि कैसे प्लांट को लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब बारी है इसमें प्लांट को लगाने के लिए। तो जो लगाने का पॉट मैं यूज़ करी हूँ वो ये पॉट है, इसका यूज़ मैं करूँगी। ये हार्ड प्लास्टिक गमला है ब्लैक कलर का, जिसमें कि ड्रेनेज होल देखिए आप कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है, और इसी पॉट में मैं अपने अडेनियम को लगाने वाली हूँ। तो इसके अंदर पहले हम करेंगे क्या कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लगा देंगे, ये देखिए जो मार्केट में आता है ना झोला, उसी का कपड़ा है, इसको मैं लगा दूंगी ताकि इसमें पानी बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें मीडिया फिल करेंगे, और मीडिया फिल करने के बाद हम प्लांट लगाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी भर लेते हैं, मतलब कि जो मीडिया हम रेडी किए हैं उसको थोड़ा सा फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद ये देखिए मैंने हाफ पॉट मीडिया फिल कर लिया है, और फिल करने के बाद हम इस प्लांट को अपने लगाने वाले हैं। तो इसकी आईडी देखिए लोलन इसकी आईडी है, और बहुत ही अच्छा फ्लावर इसमें आता है। ये थाईलैंड वेराइटी का प्लांट है, और फ्लावर भी बहुत ही अच्छा आता है, जो मैंने आज से 2 मंथ पहले, 2 मंथ अप्रॉक्स हो चुके होंगे टाइम, 2 मंथ पहले मैंने इनको परचेज़ किया हुआ था, और तब से मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की हुई है, लेकिन थोड़ा भी डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई है। ये नॉर्मली मेरे रूम में रखे हुए थे प्लांट्स, आप मैं जो प्लांट परचेज़ की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसको अप्रॉक्स 2 मंथ हो चुके हैं, और 2 मंथ से ये मेरे रूम में ही रखा हुआ था, और देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस प्लांट में बिल्कुल भी नहीं आई हुई है। तो इस तरीके से जैसे कि अगर हम प्लांट हमें अच्छा मिल जाता है तो हम ख़रीद लेते हैं, और जब अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो हम रख देते हैं, और जब मुझे टाइम मिलता है तो हम रिपोर्ट करते हैं, बट प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए मेरा एक प्लांट रिपोर्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो रहा है और नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा प्लांट रिपोर्ट करते हैं, सेम ही प्रोसेस से रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए मैंने पॉट लिया है, और इसके नीचे कपड़े मैंने लगा दिए हैं ताकि जो मीडिया है वो बाहर नहीं गिरेगी, और प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा रिपोर्ट हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ी सी मीडिया फिल करेंगे, ये देखिए हाफ पॉट मैं मीडिया फिल कर लूँगी, ये मैंने फिल कर लिया है, और इसके बाद हम दूसरा प्लांट अपना रिपोर्ट करेंगे। तो दूसरा प्लांट मेरा है ये, और इसकी आईडी आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और प्लांट बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, डबल ब्रांच है, और ब्रांच भी आप देख सकते हैं, ब्रांच की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, और कॉडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ये प्लांट डिहाइड्रेट हुआ है, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे ही रिपोर्ट करेंगे इनमें अच्छी तरीके से ग्रोथ जब रूटिंग हो जाएगी, तो रूटिंग होने के बाद जो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाएगा। तो जो बहुत से लोगों का ये कहना होता है ना कि प्लांट इतने दिन बाहर रखने पे ख़राब हो जाते हैं ना, तो प्लांट बाहर आप रखे रहिए, ख़राब नहीं होता है। मेरे प्लांट्स 3-3, 4-4 महीने रखे रह जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये प्लांट मेरे ख्याल से 2 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मे बी मैंने मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में मंगाया हुआ था, तब से आप काउंट कर सकते हैं। मैं इसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। ये देखिए मेरा नेक्स्ट प्लांट भी रिपोर्ट हो गया,
थोड़ा सा आप मीडिया को दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि जो प्लांट हिलते हैं ना वो हिलेगा नहीं। और तो चलिए हम अपने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेती हूँ और रिपोर्टिंग के बाद तब फिर हम आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने सभी प्लांट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर दिया है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग अभी मैंने नहीं किया हुआ है, ये बड़े वाले प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दिया है। और रिपोर्टिंग करने के बाद अब इनकी केयर कैसे करनी होती है आपको, तो वो मैं बता देती हूँ। तो रिपोर्टिंग करने के बाद अभी हमारे प्लांट्स में आप जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी लीव्स भी आ गई है किसी किसी प्लांट में, और किसी किसी प्लांट में बिल्कुल भी लीव्स नहीं आई हुई है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लांट्स मेरे पास 2 से 2.5 महीने से बाहर ही पड़े हुए हैं, मैंने इनको ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ था, तो उसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैंने आप लोगों के संग शेयर भी किया हुआ था। तो रखने के बाद रूम में जब मैंने इनको रखा हुआ था तभी इनमें न्यू ग्रोथ आ चुकी है, तो मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई थी उस टाइम पे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब मैंने इनको रिपोर्ट किया हुआ है। रिपोर्टिंग के बाद इनको कम से कम 15 दिन छाई में रखिएगा, 15 दिन नहीं भी तो कम से कम 1 वीक इनको छाई में रखिएगा। और जब इनमें न्यू शूट्स दिखे आपको तब आप इनको हल्की हल्की धूप 1 से 2 घंटे की 3 घंटे की प्रोवाइड करना शुरू करिएगा। और बात आती है पानी देने की, तो पानी जो अभी देना है रिपोर्टिंग के तुरंत बाद आपको पानी नहीं देना है, रिपोर्टिंग के नेक्स्ट डे आप इनमें पानी दीजिएगा फंगीसाइड और ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर हो तो सीविड का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास है तो आप मिक्स कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि प्लांट्स में जो सीविड का काम होता है, प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है ना वो इन्हेंस करता है, सीविड एक्सट्रैक्ट एक तरीके से ग्रोथ प्रोमोटर ही होता है। तो जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होती है और प्लांट अच्छे तरीके से मतलब कि फास्ट ग्रोथ करता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप 1 लीटर पानी में, हम बताते हैं आपको, 1 लीटर पानी में आपको 1 ml सीविड एक्सट्रैक्ट मिक्स करना होता है और 1 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड मिक्स करना होता है, और थोड़ा सा 1/4 स्पून आप फंगीसाइड मिक्स कर लीजिए, कोई भी फंगीसाइड आपके पास हो तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको देना है, ये नहीं कि आपको पूरा भर के पानी दे देना है, गमले में पानी होल्ड हो। तो इसलिए मीडिया ऐसी रेडी करिएगा जिससे कि पॉट में पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो, और फर्स्ट टाइम जो आपको वाटरिंग करनी है इतना ही वाटर दीजिएगा जिसमें कि आपके पॉट में बिल्कुल भी पानी होल्ड ना होने पाए। मीडिया जब वेल ड्रेन्ड रहेगी तो पानी होल्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। बाकी आपको मीडिया में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा वाटरिंग करना है, जैसे ही इनमें न्यू ग्रोथ दिखे तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा वाटरिंग बढ़ाते जाइएगा। और स्टार्टिंग में जो आप 2 से 3 बार जो वाटर देते हैं आप ह्यूमिक एसिड का दीजिएगा, तो रूट डेवलपमेंट जो होता है ना, रूट्स का डेवलपमेंट वाला प्रक्रिया जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, फास्ट रूट से डेवलपमेंट होता है तो प्लांट भी फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से आप इनका वाटरिंग का शेड्यूल रखिएगा तो प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और इसी तरीके से मैं भी अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, तो आई होप कि आप भी अपने प्लांट्स की इसी तरीके से केयर करेंगे तो प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी ग्रोथ करेगा जैसे कि मेरे प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम इस वीडियो को एंड, और आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।